हिंदू धार्मिक चिन्हों पर ईसाई मशीनरी स्कूल ने उठाई आपत्ति। एबीवीपी और हिंदू संगठन ने स्कूल पहुंचकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सेंट एनी स्कूल में विगत दिनों से बच्चों के तिलक और कड़ा पहनने पर पाबंदी के बाद हिंदू संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठन के नेताओं का आरोप है कि स्कूल ईसाईवाद का समर्थन कर हिंदू बच्चों पर अपने तौर तरीके लाद रहा है। हिंदू बच्चों को तिलक करावा और कड़ा पहनकर आने से मना किया जा रहा है और धार्मिक आधार पर बच्चों को परेशान किया जा रहा है। स्कूल के प्राचार्य बच्चों को कहते हैं कि भगवान तुम्हारे काम नहीं आएगा, गॉड काम आएगा, इसलिए तुम लोग तिलक करावा व कड़ा पहनकर स्कूल मत आया करो। विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नाराज दिखाई दिए। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और स्कूल प्रबंधन के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। क्या मामला हुआ क्या आज है? मतलब मैं नया एडमिशन है तो मैं क्लास में टीका लगा के गया तो आज मेरा जबरदस्ती टीका मिटाया गया और बोला कि नहीं मिटा सकते तो कल से स्कूल में आना और टीसी पे रेट साइन करके देंगे और किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। जी क्या नाम है आपका? ओशी पूछना। क्या हो गया स्कूल में, क्या है पूरा मामला बताऊँ? पहले स्कूल में कड़ा पहनने के लिए मना करते थे और तब हमने कुछ नहीं बोली, पर एक दिन अभी परसों के दिन सिस्टर ने जयश्राम को बोलने को जयश्राम के नारे लगाने से मना कर दी थी। कौन सिस्टर ने मना करा था, क्या नाम है? मेन सिस्टर ने। हाँ, प्रिंसिपल ने। और बताऊँ ये क्या नाम है, तिलक आज जो जो बच्चे ला के आए थे उन सब बच्चों को साइड में खड़ा कर दिया और हिंदू धर्म के आ रहे हैं बुरा बुरा बोला और एसी भी बोली अगर जो टीका ला के आएगा उसको एसी टीसी दूंगी कि किसी भी स्कूल में उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। हम शांति से आपकी बात सुन रहे हैं, तरीका होता बोलने बोलने का तरीका होता। आपने अभी क्या बोला, कहाँ मर गई? आज विद्यार्थी परिषद जो यहाँ पर नारे धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्या पूरा क्या मामला है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाणकपुरी स्थित सेंटेनरी स्कूल के अंदर लगातार शैक्षणिक संस्थान के अंदर धर्मगत बातें की जा रही है, बच्चों को धार्मिक रूप से परेशान किया जा रहा है। यहाँ पे तिलक लगाने को लेकर के हाथ में कलावा बांधने को लेकर के डायरेक्ट मना किया जा रहा है और इन लोगों से ये बोला जाता है कि आप लोगों का भगवान काम नहीं आएगा, गॉड काम आएगा। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर ईसाईवाद चलाया जा रहा है। तो इस प्रकार के शैक्षणिक संस्थान को विद्यार्थी परिषद सीहोर में नहीं चलने देगी और मैं मीडिया के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि इस प्रकार का संस्थान, आपके पीछे जितनी ताकत है पूरी ताकत लगा लो, अगर इस प्रकार से संस्थान चलाया तो सीहोर के अंदर यह संस्थान नहीं चलने दूंगा। ये विद्यार्थी परिषद और मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल वर्मा है। राहुल जी ये बताइए क्या है पूरा मामला सेंटेनरी स्कूल? पूरा मामला ये है, जैसे कि मेरे घर से मेरे दो भतीजे हैं स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो उनसे बोला गया कि आप किसी भी प्रकार के यहाँ पे हिंदू रीति रिवाज की कोई गतिविधियाँ नहीं कर पाएंगे, ना ही आप तिलक लगा के आएंगे, ना ही आपने आप लोग को नाड़ा बांधेंगे। तो जैसे उन्होंने मुझे बताया तो मैंने अपने एबीवीपी के मित्र इनको भाई साहब को मैंने रात को बताया तो इन्होंने बोला हम चर्चा करते हैं, इस तरह की जो गतिविधियाँ करेंगे देश में एक अहिंसा का मतलब बहुत असामाजिकता का माहौल बना रहे हैं, ये बहुत गलत है, इसकी हम कठोर निंदा करते हैं और साथ में इन्होंने स्कूल में जो अपने फीस बढ़ाई उसके लिए भी बहुत कठोर निंदा करते हैं। देखिए मैडम यहाँ पर देख रहा है कि एबीपी के जो विद्यार्थी के परिषद के जो कार्यकर्ता यहाँ पर आपके स्कूल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यही है कि बच्चे स्कूल में जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, अभी भी लगा ही रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं और हमने सिर्फ बच्चों को बोला एग्जाम का टाइम है, एग्जाम में ये सब चीजें नहीं करते तो उनको लेके उनको थोड़ी सी वो गलतफहमी हो गई। यहाँ के बच्चों के और बच्चों के पेरेंट्स का भी यहाँ पर कहना है कि हमारे बच्चे तिलक लगा के आते हैं तो उनको भी तिलक लगाने से मना किया। ये स्कूल आजकल की तो नहीं है, पुरानी है और हमारे बच्चे कभी से आ रहे हैं, हमने बच्चों को ये नहीं बताया है कि आप ऐसे तिलक लगा के मत आया करो, स्कूल यूनिफॉर्म है, आप स्कूल यूनिफॉर्म में आए। रखिए देश के हर शहर, हर गाँव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर।
अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।